नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप हम आशा करते हैं आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे तो आइए आज हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी से पढ़ते हैं पार्ट दो आप भी अपनी भाषा माधुरी पुस्तक ले आइए और खोल लीजिए पार्ट दो ठीक काम करें सबसे पहले आज का दिन और तिथि लिख लीजिए तो आइए पढ़ते हैं पार्ट में दिए गए कठिन शब्द और साथ में इनका अर्थ भी समझते हैं। सबसे पहले शब्द है सुंदर इसका अर्थ है जब हमारे मन को कोई चीज अच्छी लगती हो छिलका किसी भी फल या सब्जी की ऊपर की परत तोड़ना किसी चीज को दो हिस्सों में बांटना फिसल जब हमारा पैर लड़खड़ा जाए और हम गिर जाए तब यह शब्द का प्रयोग होता है पिसल आगे अंगुली हाथ के सबसे आगे का भाग जिसको आप इंग्लिश में फिंगर भी कहते हो पचतावा किसी गलत काम के करने पर जब बाद में मन में दुख हो तो हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं पचतावा आगे शब्द है निकाल किसी चीज को बाहर करना कहलाता किसी वस्तु के लिए उसका कोई नाम देना आइए आरंभ करते हैं पाठ का पठन परंतु इससे पहले दिए गए चित्र को देखिए तो बच्चों ये एक बाघ का चित्र है और इसमें आप ही की तरह प्यारे प्यारे चार बच्चे हैं जिसमें तीन लड़के और एक लड़की है लड़कों के नाम हैं रमेश राजू मोहन और लड़की है गीता अब बाघ का चित्र है इसलिए एक साइड पर लिखा भी हुआ है फूल तोड़ना मना है अब बच्चे बाग में खेलते हुए आपस में क्या बातचीत करते हैं आइए इस पाठ का पठन करते हुए देखते हैं। रमेश आहा, कितने सुंदर फूल हैं। गीता अरे यहाँ तो माली भी नहीं है राजू आओ फूल तोड़ते हैं। मोहन नहीं उधर नहीं जाओ रमेश देखो वहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है राजू कोई देख तो नहीं रहा है गीता अरे देखो राजू की अंगुली में कांटा चुप गया है मोहन उसकी अंगुली से तो खून बह रहा है गीता मैं कांटा निकाल कर दवाई लगाती हूँ रमेश देख लिया ठीक काम ना करने का नतीजा राजू मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँगा मोहन गीता तुमने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया गीता कुछ नहीं होता मोहन अगर उस पर किसी का पांव पड़ गया तो वह पिसल जाएगा राजू वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए रमेश भागकर उठाते हुए बाबा चोट तो नहीं लगी तो बच्चों आप भी इस चित्र में देख सकते हो कि बूढ़े बाबा फिसल कर गिर गए हैं और बच्चे उनके पास बैठकर कर मन में पछतावा कर रहे हैं। आगे बूढ़ा बाबा बस बच ही गया बेटा रमेश बाबा गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा है गीता मुझे माफ कर दो बाबा मैं अब कभी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूंगी बूढ़ा बाबा कोई बात नहीं बेटी सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता मोहन बाबा हम समझे नहीं बूढ़ा बाबा सुनो बेटा अगर गलती करने वाला यह समझ ले कि गलती उसने की है तो वह गलती नहीं रह जाती सब एक साथ अब समझ में आया बाबा तो देखा बच्चों इस पाठ के माध्यम से हमने ये जाना कि हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि हो या कोई नुकसान हो तो आइए अब हम करते हैं पाठ में दिए गए कुछ और कठिन शब्दों को रेखांकित तो चलते हैं पिछले पृष्ठ पर भी पेंसिल उठा लीजिए और मेरे साथ शब्दों को रेखांकित करते जाइए सबसे पहले रेखांकित करेंगे सुंदर फूल उसके पश्चात तोड़ते फिर तोड़ना उसके बाद है अंगुली कांटा, चुभ उसके बाद दवाई अगले पृष्ठ पर नतीजा उसके बाद करूंगा फिर छिलका सड़क अगला शब्द है बूढ़े बाबा उसके बाद पछतावा फिर फेंकूंगी उसके बाद सुबह भूला उसके पश्चात गलती शब्द है समझ तो बच्चों इन शब्दों को रेखांकित करने के पश्चात आइए करते हैं इसका अभ्यास कार्य सबसे पहले नंबर एक नीचे दिए गए वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाइए तो बच्चों हम नीचे दिए गए वाक्य पढ़ेंगे अगर वाक्य सही है तो हम सही का निशान लगाएंगे अगर गलत हुआ तो हम गलत का निशान लगाएंगे पहले क, फूल तोड़ने चाहिए बिल्कुल गलत निशान लगा लीजिए ख खून बहने पर दवाई लगानी चाहिए बिल्कुल ठीक सही का निशान लगाइए गीता अपने गलत काम करने पर पछताई बिल्कुल ठीक सही का निशान लगाइए घ गलत काम का गलत नतीजा होता है ये आप सबको पता है सही का निशान लगा लीजिए अगला कार्य नंबर दो किसने कहा लिखिए तो बच्चों जो नीचे वाक्य है ये हमने इनको पढ़कर देखना है कि ये वाक्य किसने कहे उसी के अनुसार हमने इसका उत्तर लिखना है पहले क आओ फूल तोड़ते हैं तो ये कहा था राजू ने लिख लीजिए राजू ख, उसकी अंगुली से तो खून बह रहा है ये कहा था मोहन ने लिख लीजिए मोहन उसके बाद ग देख लिया ठीक काम ना करने का नतीजा ये कहा था रमेश ने तो लिख लीजिए रमेश घ बस बच ही गया बेटा ये आपको पता है बूढ़े बाबा ने कहा था तो हमने लिख लिया बूढ़े बाबा न बाबा हम समझे नहीं तो ये कहा था मोहन ने तो लिख लो मोहन आगे का कार्य नंबर तीन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए तो बच्चों आपने ये प्रश्न उत्तर मौखिक करने हैं सबसे पहले प्रश्न क सड़क पर छिलका किसने फेंका था उत्तर आएगा सड़क पर छिलका गीता ने फेंका था प्रश्न ख राजू की अंगुली में क्या चुप गया था उत्तर है राजू की अंगुली में कांटा चुप गया था ग, बगीचे में क्या तोड़ना मना था इसका उत्तर बगीचे में फूल तोड़ना मना था अगला प्रश्न बूढ़ा बाबा किस फल के छिलके से फिसला ये आप सबको पता है इसका उत्तर बूढ़ा बाबा केले के छिलके से फिसला इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है इसका उत्तर है इस पार्ट से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हर काम ठीक करना चाहिए कोई भी काम ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों भी हानि हो दूसरों का नुकसान हो आगे का कार्य नंबर चार पार्ट के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए तो बच्चों नीचे तीन बॉक्सेस दिए गए हैं जिनमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जब हम इन शब्दों का मिलान करेंगे तो यह एक वाक्य बन जाएगा आइए देखते हैं ये कार्य कैसे करना है सबसे पहले उदाहरण के लिए मिलान किया हुआ है शब्द है नहीं इसका मिलान किया है उधर और उसके बाद मिलान किया है नहीं जाओ तो वाक्य पूरा बन गया नहीं उधर नहीं जाओ इसी तरह से आइये करते हैं आगे का मिलान पहला शब्द है कुछ इसका मिलान करेंगे नहीं शब्द के साथ और आगे मिलान करेंगे होता तो बन गया वाक्य कुछ नहीं होता उसके बाद शब्द है कोई इसका मिलान करेंगे देख के साथ और आगे मिलान करेंगे तो नहीं रहा पूरा वाक्य बन गया कोई देख तो नहीं रहा अगला शब्द वह देखो इसका मिलान किया शब्द बूढ़े बाबा और फिर मिलान हुआ फिसल गए तो वाक्य बन गया वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए आगे शब्द है बस इसका मिलान करेंगे बच ही गया उसके बाद मिलान करेंगे बेटा तो पूरा वाक्य बन गया बस बच ही गया बेटा आगे अंत में शब्द है बाबा इसका मिलान करेंगे हम और हम का मिलान करेंगे समझे नहीं तो पूरा वाक्य बन गया बाबा हम समझे नहीं तो बच्चों इस तरह से आपने भी पाठ का पठन करने के पश्चात कठिन शब्दों को रेखांकित करना है और उसके बाद अभ्यास कार्य अपना पूरा कर लेना है धन्यवाद